सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप क्यों दिया? क्यों दिया जल्दी बताओ भैया, बताओ आप बताओ, सफेद शर्ट वाले भैया, आपसे नहीं पता? अहिल्या को पत्थर का श्राप क्यों दिया, पत्थर हो जाओ? क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या माता है, वो इतनी सुंदर थी। अहिल्या माता किसकी बेटी है? अहिल्या के पिता कौन? अहिल्या ब्रह्मा पुत्री है, ब्रह्मा जी की बेटी है। इतनी सुंदर थी कि इंद्र का विचार था कि मैं इनसे विवाह कर लूं। इंद्र जो भी सुंदर महिला को देखता है ना, उसकी लार टपकने लग जाती है। इंद्र अहिल्या माँ को देखा तो मन डोल गया, बोले मैं इनसे विवाह कर लूं। पर ब्रह्मा जी ने कहा तेरे से नहीं करेंगे, हम तो गौतम ऋषि से करेंगे। तो अहिल्या गौतम ऋषि से शादी हो गई। शादी तो गौतम ऋषि से हो गई, पर इंद्र की नियत तो लगी रही। शादी होने पर भी इंद्र ने एक दिन मौका पाकर छल कर दिया। इंद्र ने रात के 2 बजे चंद्रमा को बोला तुम मुर्गा बन के कुकड़ू को करो। तो पहले की अलार्म घड़ी तो मुर्गा ही होता था, मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए। तो अहिल्या इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ, तो मुर्गा बन के बोल दिया। गौतम ऋषि जागे और गंगा नहाने चले गए। अब वो तो गंगा नहाने गए, अहिल्या अकेली जंगल में, तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और इंद्र ने जाकर माता अहिल्या के संग गौतम ऋषि का रूप बना के, अब आपके पति के रूप में कोई आ जाए तो आप कैसे समझेंगी कि ये कोई और है? तो अहिल्या माँ समझ ना पाई और वो जिद करने लगा। इंद्र अहिल्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। अभी ये जबरदस्ती कर ही रहा था कि वहाँ गंगा मैया ने कह दिया अभी तो 2 बजे हैं रात को, आप क्यों आ गए? अरे मुर्गा तो बोला था। गंगा मैया ने कहा गौतम जी आपके संग छल किया है इंद्र ने। दौड़े दौड़े आए, जब तक आए तो इंद्र कमरे से निकल रहा था अहिल्या के। समझ गए, अच्छा इंद्र तुम्हारे स्वर्ग में क्या महिलाओं की कमी थी जो तुम मृत्यु लोक की महिलाओं को सताने आ गए? योनि लंपट, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जिस योनि की भूख मिटाने यहां आए हो तुम्हारे पूरे शरीर में योनि योनि हो जाए, योनि लंपट हो तुम। इंद्र के पूरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो गए थे, योनि हो गई थी पूरे शरीर में। चरणों में गिरा, महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अपराधी हूं मैं, काम के वशीभूत हो गया था, क्षमा कर दो। भगवान श्री गौतम ऋषि ने कहा जाओ तुम्हारी ये जो शरीर में योनियां हो गई हैं ये भगवान की कृपा से नेत्र बन जाएंगी। तो 1000 योनियां हो गई थी शरीर में, इंद्र के शरीर में कितनी योनियां? 1000 योनियां। जा, ये बड़ा प्यार है योनि से, जा पूरे शरीर में योनि, 1000 योनि हो गई। बाद में इंद्र की वो 1000 योनियां नेत्र बन गई, आंखें बन गई थी। तो इंद्र को 1000 नेत्र वाला भी कहते हैं। इंद्र को पहले उस श्राप के कारण योनियां, फिर वो नेत्र में तब्दील हो गए। देखो हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च आज की मेडिकल भाषा में समझें तो हमारे ऋषियों के पास ऐसी भी विद्या थी जो शरीर के चाहे योनि बना दें चाहे योनि भाग को नेत्र बना दें, ये एक विद्या थी, ये एक मेडिकल साइंस है जिस पर साइंस
अभी काम करेगा तो कई हजार साल लगेंगे अभी, ठीक है। तो इंद्र को श्राप लगा, ये तो इंद्र का मैटर निपट गया। चंद्रमा भी मुर्गा बने थे, चंद्रमा को श्राप दिया, जाओ तुम कलंकित हो जाओगे, तुमने कलंक लगा दिया एक स्त्री के चरित्र में, जाओ तुमने भी तो गलत आदमी की मदद करने वाला भी तो गलत ही है, जाओ तुम कलंकित हो जाओ। तो चंद्रमा इतना सुंदर है पर काला काला धब्बा है ना, वही कलंक है। आप पूछते हैं चंद्रमा में काला धब्बा क्यों है, इसलिए है कि अहिल्या के चरित्र को बिगाड़ने में इनका भी योगदान था, इसलिए श्राप दिया कलंकित हो जाओ, तुम्हें बड़ी सुंदरता का घमंड है, जाओ धब्बे हो जाए तुम्हारे जीवन में चरित्र में सब। अब निकली अहिल्या कमरे से रोती रोती कि हमें तो ये इंद्र ने ठग लिया, बर्बाद कर दिया। गौतम ऋषि ने, अब आप सवाल करेंगे कि अहिल्या की गलती क्या थी, ना जी कोई गलती नहीं थी, अहिल्या की कोई गलती नहीं, पति के रूप में कोई आएगा तो क्या जानेगी कि ये पति है या नहीं है। परंतु गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। अब आप सवाल करो हमसे कि गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया अहिल्या को, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, क्यों श्राप दिया पूछो हमसे, या फिर आप बता दो क्यों दिया, बताओ आप ही बता दो, गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया अहिल्या माता को, क्यों दिया? इसलिए दिया कि यदि श्राप नहीं देते तो सारी दुनिया उन्हें चरित्रहीन कहता, सारी दुनिया उन्हें चरित्रहीन कहता। इसलिए गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या चरित्रहीन रहकर जीने से अच्छा है पत्थर बन जाओ, फिर तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा। कौन सुधारेगा? कांटे से कांटा निकलता है, बिगड़े चरित्र को बना हुआ चरित्र सवारेगा। अहिल्या का बिगड़ा चरित्र राम जैसे चरित्रवान ने जब अपने चरणों का स्पर्श कर दिया तो बिगड़ा हुआ चरित्र सुधर गया माता का, और पति के लोक को चली गई। यदि श्राप ना दिया होता गौतम ऋषि ने तो फिर अहिल्या के शरीर पर भगवान के चरण कैसे पड़ते, और चरण नहीं पड़ते तो चरित्र कैसे सुधरता। इसलिए उनके चरित्र को युगों बाद सुधारना था। ये घटना थी सतयुग की। ये अहिल्या पत्थर की कब बनी? सतयुग में। और राम जी कब आए? राम जी त्रेता में आए, मतलब एक युग बीत गया। वो सतयुग का अंतिम युग था, वो सतयुग का अंतिम युग था, और ये त्रेता का अंतिम युग है, सॉरी त्रेता का अंतिम समय है, मतलब पूरा त्रेता बीत गया, अब आखिरी के कुछ समय बचे थे, लगभग 11,500 साल त्रेता के बचे थे तब की ये घटना। इसलिए त्रेता की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष लगभग। तो ये आयु है, और 11,500 काफी समय बीत चुका था त्रेता का, अंत में चरण स्पर्श हुआ और गौतम नारी श्राप वश उपल दे है धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आप भी कहो कि जैसे अपने चरणों की धूल देकर अहिल्या का उद्धार किया हे नाथ, हमें भी अपने चरणों की धूल देकर रज देकर हमारा भी कल्याण कीजिए, हमारा भी उद्धार कीजिए, हे पतित पावन हमारा भी कल्याण कीजिए। तो अहिल्या पर
उनके पति ने श्राप देकर अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से और जोर से, अच्छा किया, अच्छा किया। यदि श्राप ना दिया होता तो राम जी के दर्शन कैसे होते? यदि श्राप ना दिया होता तो फिर हमारे और आपके पास कहने और सुनने को अहिल्या की कोई कथा ही ना होती ना। फिर ये चरण धूलि की महिमा कहां से प्रकट होती? चरण धूलि की महिमा को प्रकट करने के लिए अहिल्या का सहारा लेना पड़ा।